मॉर्निंग जी। तो जी स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना बिल्कुल मेरी तरह। तो जी फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है और बाकी निकलने के लिए तैयार, गाड़ी भी धुल चुकी है। हम जा रहे हैं अभी आज हल्द्वानी। हल्द्वानी आज हमारी वापसी है और अभी निकल रहे हैं यहाँ से। और सामने एक काफल का पेड़ है वो ऊपर, ये जो दिख रहा इसमें काफल पके थे, तो क्लिप हल्की लगा रखी है, इस वीडियो पर लगाऊंगा। बाकी यहाँ से निकलते हैं और अभी अमिता सारे कमरे वगैरह लॉक कर रहे हैं। बाकी हमने सामान वगैरह सब सेट कर लिया है, कपड़े वगैरह सब रख लिया है, पैकिंग पूरी, पैकिंग तो कल ही होगी थी डन। बाकी ये सामान वगैरह रख लिया है इस प्यारे से व्यू को और नैनिहाल को। अभी फ़िलहाल बाय बाय करते हैं, फिर टाइम हम बहुत जल्दी आएंगे। सामान यहाँ रख दिया है, ताली वगैरह लगा रहे हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो वो निकल गए अभी इसको ना यहाँ को लगा दे। जय हो कुल देवता की। निकलते हैं यहाँ से। तो हम पहुँच गए अभी दुर्गा नगर, पेट्रोल पंप पे आए हैं, तेल भरवाते हैं। गाड़ी में तेल कम है, कम इतना कम भी नहीं है, मतलब थोड़ा कम है, बाकी भरवाते हैं तेल। यह है दुर्गा नगर पेट्रोल, दुर्गा नगर पेट्रोल पंप है ना। दुर्गा नगर पेट्रोल पंप पर हम पहुंच गए हैं। गोपिया भी जा रहा हमारे साथ हल्द्वानी आज। गर्मी हो गई? नहीं, हो जाएगी अभी। गर्मी हो गई मतलब अभी यहाँ सही है, नीचे थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो रहा था। बाकी निकलते हैं यहाँ से, तेल भरवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। एक आदमी और लगा लो आपसे। वो अभी हम पहुंच गए हैं मोतिया पाथर। यहाँ से आई थिंक 60 या 70 होगा ना हल्द्वानी, 60 या 70 किलोमीटर होगा यहाँ से। आज हम उस रूट से नहीं जा रहे जिस रूट से हम आए थे। हम आए थे अल्मोड़ा, बाय अल्मोड़ा होते हुए आए थे को, क्योंकि अल्मोड़ा उस टाइम काम था, तो उस वजह से हम उस टाइम अल्मोड़ा होते हुए आए थे। और अभी यहाँ से 66 किलोमीटर भीमताल है, हल्द्वानी 72 किलोमीटर, 43, और हल्द्वानी यहाँ से 72 किलोमीटर। और अभी हम पहुंच गए हैं पहाड़ पानी, टाइम हो चुका है 12 बज गए। तो अभी हम पहुंच गए हैं धानाचुली, और इस साइड से ये रोड है यहाँ की। आगे हम सामने हल्द्वानी वाली रोड है और बाकी हाँ हाँ ऊपर चार डोल आश्रम, हरियाणा से आए हैं लोग डोल आश्रम के लिए। कि अभी ये है हल्द्वानी का रूट, और बाकी इससे जस्ट पीछे साइड को जो है, इसके पीछे साइड को मुक्तेश्वर, और मुक्तेश्वर की रोड है। जल्दी जल्दी ये हैं बुरास के फूल, यहाँ बड़े अच्छे लगे हैं इस बार। यहाँ पे हुआ है उस साइड को, ऊपर को कम दिख रहे थे हमें, यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। धारी एक जगह पड़ती है बीच में, तो हम अभी वहीं हैं। और यहाँ पूरे मतलब मुझे तो लग रहा है कि भीमताल जाने तक तो हमें ठंडा मिलना ही है, फिर उसके बाद ही होगा हमें गर्म। यहाँ सब कुछ अभी वही चल रहा है, ठंडे ठंडे वाले इलाकों के पेड़ दिख रहे हैं। कुनास के फूल तो ज़्यादा ही हैं, इसका जूस वगैरह, जूस वगैरह क्या पता शायद लोकल में भी बनता हो। हाँ बनता है, बनता है ना। तो यहाँ लोकल के ही कुछ है मतलब प्लांट वगैरह टाइप लगे हुए हैं, लोगों ने अपनी ही वेस्टर्न मशीन वगैरह रखी हुई है, और यहाँ से लोकल का ही बुरास का जूस जाता है। अगर रास्ते में हमें मिला तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। नीचे पॉली हाउस वगैरह बना रखे हैं खेती वगैरह करने के। Yeah.
मेहनती है मतलब यहाँ के लोग काफी लोगों ने घर में ही पॉली हाउस वगैरह काफी अच्छी मतलब सब्जी वगैरह के लिए पूरा ही सामने दिखाते आपको ये देखिए रोड थोड़ा कंजेस्टेड है मतलब जगह काफी अच्छी है इतनी प्यारी जगह हो तो रोड थोड़ा कंजेस्टेड भी होती है तो चल जाता है बहुत ही खूबसूरत जगह है मजा आ गया मैं इस रोड से तो फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ भीमताल यहाँ से 17 किलोमीटर है भीमताल तो बाकी पहुँचने वाले हैं भीमताल अभी थोड़ा देर में बाकी और ये एक रिजॉर्ट बना हुआ है बाकी चलते हैं मिलते हैं आगे हम फिलहाल पहुंच गए यहाँ से भी तो हम पहुंच गए अभी कटानी में और यहाँ काफी प्यारे प्यारे रिजॉर्ट बना रखे हैं लोगों ने ये सामने सारे रिजॉर्ट हैं पब्लिक बहुत आती है भीमताल से टच हुआ ही है उसके बाद जैसे भीमताल तक जाते ना तो भीमताल में जो भी टूरिस्ट आता है वो इस साइड को आता है आप साइड को देखिए पूरी रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट बने हुए हैं प्यारी जगह काफी भीमताल की लेक आज मेरे साइड से पूरी प्रॉपर दिखी अब मैं आपको और ज्यादा अच्छे से दिखा पाऊंगा आज ये है भाई प्यारी सी लेक अरे भाई साहब आज तो बोटिंग भी काफी अच्छी हो रही है ना मतलब टूरिस्ट लोग आने लग गए हैं गर्मी की छुट्टियां पड़ी है ना लोगों को तो सीजन टाइम ऑन हो चुका है यहाँ का अब आएगा मजा आपको दिखाएंगे किसी दिन आएंगे ना यहाँ दिल्ली यूपी हरियाणा नंबर हमें ज़्यादा यहाँ गाड़ियाँ दिखती हूँ सकती तो मतलब सीजन ऑन हो गया है ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है रोड बंद होता है उस टाइम तो बाकी ये है हमारी प्यारी सी लेक एक दिन हम टाइम निकाल के आपको यहाँ उस दिन हम बोटिंग भी या तो नैनीताल जाएंगे या भीमताल आएंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे अपने ब्लॉग में मतलब हो रहा मूंगफली भी बेचते हैं ये है भाई प्यारी सी लेक यहाँ की वोटिंग करने का तो देख के तो वोटिंग करने का मन हो रहा है आएंगे जरूर एक दिन प्लान बनाते हैं मतलब यहाँ घूमने का आपने देखा ही है परसों वाले ब्लॉग में बाकी आपसे मिलते हैं अभी थोड़ा देर बाद तो हम पहुंच गए हैं अभी हल्द्वानी काठगोदाम फाइनली पहुंच गए हैं हल्द्वानी में और हल्द्वानी आते ही चल गया एसी गर्मी का एहसास हो गया है तो हम पहुंच गए हैं भाई पीलीकोटी बस अपनी डेस्टिनेशन के जस्ट पास पे हम पहुंच गए हैं पहुंचने वाले हैं मार्ट पे पीलीकोटी चला है थक गए यार ये बैठे बैठे गाड़ी आज का रोड मतलब देखने के बाद बहुत प्यारा था थोड़ा बहुत मोड़े ज़्यादा थे तो थकान लग गई अमिता चला के भी ऐसी लाए नहीं मासूम सा चेहरा जो देख रहे हो ना कैमरा के आगे बहुत खतरनाक तरीके से गाड़ी चला के ला रखे जय हो भोले बाबा भारत मार्ट पहुंच गया भाई घर में चलो
लगाते हैं गाड़ी और चलते हैं, सामान वामान निकालते हैं, डब्बा हटाते हैं, सामान वगैरह निकालते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे।